बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमारे पास लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा बेटा, इसमें आपको नजर आ रहा है कि दो साइड्स देनी है, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या दिया हुआ है, a प्लस b होल ट्रांसपोज। अच्छा बेटा, इसमें पहले हम a प्लस b फाइंड करेंगे, देन इसका ट्रांसपोज लेंगे। हमारे पास a प्लस b क्या है, a मैट्रिक्स है 1 2 0 1, प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0। अच्छा बेटा, अभी इन दोनों को ऐड करें, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। अच्छा बेटा, ये हमारे पास जो आंसर आएगा आ जाएगा 2 2 3 एंड 1। ये हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स आ गया। a प्लस बी फाइंड करने के बाद आपने लिखना है, देन इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। हम लिखेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है 2 2 3 एंड 1। यानी हमने इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर दी तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। यहां हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अभी हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा बेटा, यहां देखें, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 एंड 1, देन हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1। मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। अभी मैं यहां बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दूंगा। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0, देन बेटा इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 1 2 1 0। यहां मैंने ए का ट्रांसपोज भी और बी का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया है। अभी इन दोनों को बेटा प्लस करना है। मैं लिखूंगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू है, हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 0 2 एंड 1, प्लस जो बी ट्रांसपोज आया है वो हमारे पास क्या है 1 2 1 0। अच्छा बेटा, अभी इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। अगर बेटा इनको हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 है, 0 प्लस 2 हमारे पास 2 है, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 है, और 1 प्लस 0 इक्वल टू है 1 है। अच्छा बेटा, इसमें मेन चीज ये थी कि पहले हमने राइट हैंड साइड के अंदर कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का ट्रांसपोज लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया। अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंस और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका आंस दोनों सेम आ गए। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट करना है। लिखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये वेरीफाई करना है क्या a को जब a ट्रांसपोज में ऐड करें तो जो आंसर आएगा क्या वो सिमेट्रिक है। बेटा अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल a हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है क्या 1 2 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, देन इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। a ट्रांसपोज इज इक्वल टू है हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 एंड 1। अच्छा बेटा, यहां भी इन दोनों को ऐड करना है तो मैं a को a ट्रांसपोज में ऐड करूंगा, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज जो आया है वो क्या है 1 0 2 एंड 1। अच्छा बेटा इन दोनों को भी ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का वो आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है 2 2 2 एंड 2। अच्छा बेटा यहां बताना चाहूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। आप लोगों को पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अगर मैं यहां पे ए प्लस ए ट्रांसपोज प्रूव ये करना है क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो मैं लिखूंगा हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है 2 2 2 2। देन इसका मैं ट्रांसपोज लेके पोल का देखता हूं क्या यही आता है, लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जब हमने इसका लिया तो बेटा ये देखें दोबारा से जब मैं इसकी रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करूंगा तो हमारे पास वही आ जाएगा 2 2 2 2। मैं लिख सकता हूं बिकॉज हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज लिया है तो ये हमारे पास आ गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये प्रूव हो गया हमारे पास कि इसको हमने कर दिया है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 का 6th पॉइंट पार्ट करेंगे। हमारे पास है प्रूव ये करना है, वेरीफाई ये करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसी तरह से जैसे हमने मैंने पहले क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह से है, हमारे पास b इक्वल टू है 1 1 2 0। अभी b मैट्रिक्स दिया हुआ है देन इसका क्या फाइंड करेंगे ट्रांसपोज, हमारे पास आ जाएगा b ट्रांसपोज इज इक्वल टू है 1 2 1 0। अच्छा बेटा अभी b में से b ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाएगा, हमारे पास आएगा b माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू है 1 1 2 0 माइनस b ट्रांसपोज है 1 2 1 0। अभी इन दोनों को माइनस किया जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। बेटा जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 में से 1 माइनस करें 1 1 में से 2 माइनस करें माइनस 1 0 माइनस 0 0। यही हमारे पास b माइनस b ट्रांसपोज आ गया 0 माइनस 1 1 और 0, ये एक मैट्रिक्स आ गया। अच्छा बेटा प्रूफ हमने ये करना है क्या b माइनस b ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। अगर ए का ट्रांसपोज लेने पे माइनस से आ जाता है देन समझ लें कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह बेटा यहां पे अगर हम देखें तो बी माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास जो फाइनल हमने किया है वो आया है 0 माइनस 1 1 और 0। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं और ये माइनस में आ जाता है देन ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जैसे कि मैं लिखूंगा देन b माइनस b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा 0 माइनस 1 1 एंड 0 0 1 माइनस 1 एंड 0। यानी कि इसकी हमने जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दिया है और इसके कॉलम को भी रो में चेंज कर दिया है। अच्छा बेटा अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है 0 है 0 ही रहा है, माइनस 1 1 बन गया, 1 माइनस 1 बन गया 0 0। यानी कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये नेगेटिव में चला गया। मैं लिख सकता हूं बिकॉज
बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है माइनस बी ट्रांसपोज, सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्री, यानी कि ये प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्री है। अच्छा बेटा, ये था पार्ट नंबर 6 जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। तो यहां बताना चाहूंगा कि 3 पार्ट्स हमने इस क्वेश्चन के लिए हैं और 3 पार्ट्स आप लोगों ने इसके खुद करनी प्रैक्टिस सब की है, लेकिन वो 3 पार्ट्स जो हैं सेम इन्हीं तरह के हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।